नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और आज खुशी का दिन है। देश में एक उत्सव की तरह आज का दिन मनाया जा रहा है क्योंकि आज 100 करोड़ के आंकड़े को कोरोना वैक्सीनेशन पार कर गया है। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है, जिस उपलक्ष्य में आज देश में संबोधित किया जा रहा है, धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खुद पीएम मोदी भी देश को संबोधित करेंगे और जनता को धन्यवाद देंगे क्योंकि आज भारत ने वैक्सीनेशन में नया इतिहास रचा है, 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। और इसी खुशी में आज पीएम मोदी जनता को आभार भी व्यक्त करेंगे क्योंकि कोरोना की जो लहर देश ने देखी है, दो लहरें देखी हैं, अभी तीसरी लहर संभावित है, लेकिन दूसरी लहर सबसे खतरनाक साबित हुई। जितनी मौतें देश ने देखी है वो काफी डराने वाला मंजर था, लेकिन देश उससे उभरा, आगे बढ़ा, वैक्सीनेशन में नए आयाम को छुआ और इसी के साथ 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। तो एक बड़ी उपलब्धि है देश के लिए क्योंकि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चलाया जा रहा है और इस वैक्सीनेशन अभियान के चलते देश ने बाकी देशों की भी मदद की है, वैक्सीन बाकी देशों में भी मुहैया कराई, लेकिन अपने देश ने जो लक्ष्य हासिल किया है वो गौरवान्वित करने वाला है। 100 करोड़ का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है जिसे आज देश ने हासिल कर लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब हमारे संवाददाता लखनऊ से अश्विनी लाइव जुड़ चुके हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जुड़े हुए हैं। तो हम अश्विनी से अब जानना चाहेंगे, अश्विनी, इस वक्त अस्पतालों में वैक्सीनेशन में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, नए आयाम बनते हुए नजर आ रहे हैं और आज 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, तो लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है आज के दिन? आपको बता दें, आज देश में जो है बहुत ही बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वैक्सीनेशन कैंप का निरीक्षण करेंगे। और अगर बात की जाए तो पूरे देश में जो बड़े नेता हैं वो सभी किसी न किसी वैक्सीनेशन अभियान में जाके सम्मिलित होंगे और वहाँ की जानकारी लेंगे, जायजा लेंगे और लोगों को आभार भी व्यक्त करेंगे। अभी हम राजधानी लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में मौजूद है, यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर देखते हैं तमाम वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे और यहाँ का निरीक्षण करेंगे। तो ऐसे में जो है देशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, देशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं और आज इस महाअभियान में जो देश का आंकड़ा है वो 100 करोड़ पार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी जो है खुशखबरी है। और अगर बात की जाए तो जो है कोरोना की आने वाली तीसरी संभावित लहर को लेकर के भी पूरी तरीके से जो है सरकार अलर्ट है, जिसको लेकर के बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार का मानना है कि उस आने वाली लहर से पहले ही जितने भी देशवासी हैं सबको वैक्सीनेशन डोज लग गया। तो अभी हमारे साथ इस वैक्सीनेशन डोज के इंचार्ज हैं, मुझसे जानते हैं कि आज कितने लोगों का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है टीकाकरण का। मैम, क्या नाम है आपका? विनीता जी, आज यहाँ पे वैक्सीनेशन अभियान में कितने लोगों का लक्ष्य रखा गया? आज का लक्ष्य जो है वो 800 के करीब, 800। अभी सुबह से कितने बजे से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और कितने लोगों को वैक्सीन अभी तक लग रहा है? हमारा अभियान यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 10 बजे से होती है, 10 बजे से शुरू है। हमारा काम तो पहले से शुरू हो जाता है लेकिन वैक्सीन लगना 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो अभी तक कितने लोगों को डोज लगी है और कितने लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं? 100 लोगों को लग चुकी है, 200 लग चुकी है, 200 लोगों को लग चुकी है और बाकी लोग अभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी पहुँचने भीड़ है बाहर, वो अभी जो पोर्टल पे एंट्री हो चुकी होती है, जो लग चुके होते हैं वो 200। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ वैक्सीनेशन कैंप की इंचार्ज थी जिन्होंने बताया कि 200 लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लग चुकी है और 800 का लक्ष्य है, 800 लोगों को यहाँ पे आज वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। लेकिन अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं जिसका ये परिणाम देखने को मिला है कि 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है वैक्सीनेशन, तो क्या कहेंगे, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस वक्त जो लोग वैक्सीनेशन के लिए मौजूद हैं उनके चेहरे पे क्या खुशी देखने को मिल रही है इस आंकड़े के सामने आने के बाद? जब बता दें जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से उनमें एक उत्साह है और उत्साह देखने को मिला। और अगर वैक्सीनेशन अभियान की बात की जाए तो लोग भी बढ़ चढ़ के इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि सरकार का भी यही मानना है कि जब तक जनता हमें सपोर्ट नहीं करेगी तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं बना सकते। तो ऐसे में जो जनता सरकार को पूरा
सपोर्ट कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कैंप में पहुंच के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो जो है ये जनता के लिए भी बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आने वाली जो संभावित तीसरी लहर है, क्योंकि उसको वैक्सीनेशन से ही हराया जा सकता है। और वैक्सीनेशन के बाद भी सरकार के दिशा निर्देश है कि कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। तीसरी लहर को भारत जरूर हराएगा और वैक्सीनेशन सही हराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अश्विनी जुड़े थे। तो भारत 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है और अब इसी खुशी में देश में काफी एक उत्सव की तरह आज का दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि नया इतिहास रच दिया है देश ने, 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के आंकड़े को छू लिया है। और इसी के साथ जनता में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब वैक्सीनेशन से लोग डरते थे। ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी हैं कि जब वैक्सीनेशन के लिए लोगों के घर जाया जाता था, जब कोविड की टीम वैक्सीनेशन के लिए घर जाती थी और उस वक्त उन्हें भगा दिया जाता था और ये कहा जाता था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है उसको देखते हुए ये नए आयाम छुए हैं देश ने, और इसी के साथ आज ये लक्ष्य तक हम पहुंच सके हैं। और अभी तीसरी लहर की संभावना बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का जो ये नया आंकड़ा है और जिस तरह से नए नए आंकड़े बन रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये साबित कर रहा है कि देश जागरूक हो रहा है, देश की जनता जागरूक हो रही है, आगे बढ़ रही है और तीसरी लहर को हराने के लिए मजबूती से सभी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से वैक्सीन को बढ़ावा मिल रहा है, देश में कई वैक्सीन उपलब्ध हो रही है धीरे धीरे, कई वैक्सीन को मंजूरी भी मिल रही है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। और वहीं आज जो ये नए आयाम पाए हैं उसको देखते हुए जनता भी काफी खुश है, क्योंकि 100 करोड़ का आंकड़ा पा लिया है और सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान भारत में चल रहा है। इसको देखते हुए भी काफी खुशी महसूस कर रहे हैं सभी और आज देश की जनता को संबोधित करेंगे, धन्यवाद देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेंगे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचेंगे और साथ ही वहां पे जनता से भी उनके हालचाल पूछते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है, लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, तो इन सभी चीजों पे भी बात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और वैक्सीनेशन का जायजा भी वक्त वक्त पर लेते रहे हैं सीएम योगी। जिस तरह से वैक्सीनेशन को और आगे बढ़ाया गया, नए नए लक्ष्य रखे गए, हर राज्य ने अपने राज्य के लिए एक नया लक्ष्य रखा था कि हमें एक दिन में या दो दिन में इतने लक्ष्य को पार करना है, और ऐसा हुआ भी, देश की जनता ने भी साथ दिया और बढ़ चढ़कर सबने वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में हिस्सा लिया और इस महाअभियान को सफल बनाया भी है। तो एक बड़ी आबादी का टीकाकरण हो चुका है और इस वक्त देश को नई नई वैक्सीन भी मिलती हुई नजर आ रही है। प्रमुखतः दो वैक्सीन इस वक्त देश में सबसे ज्यादा उपयोग की जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। इसके अलावा भी स्पुतनिक वी और कई ऐसी वैक्सीन हैं जिसे मंजूरी मिली हुई है भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही आ रही है, जिससे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। लोग भी निडर होके और अब सरकार की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं। पहले अंधविश्वास देखने को मिला था, जब शुरुआत में वैक्सीन आई थी तो काफी अंधविश्वास देखने को मिला था, लेकिन सरकार की मेहनत रंग लाई है, जो जागरूकता अभियान चलाए गए लोगों के द्वारा, सरकार द्वारा, उसने इस नए आंकड़े को पाने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका श्रेय जाता है और देश की जनता को भी इस आंकड़े के सफल होने का श्रेय जाता है, क्योंकि दोनों की मेहनत है। जहां सरकार ने लोगों को अंधविश्वास से निकाला, जागरूक करने का काम किया, तो वहीं जनता ने भी समझदारी और सूझबूझ से कोरोना की लहर से, तीसरी संभावित लहर से लड़ने के लिए अपने आप को वैक्सीनेट किया और साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाया है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी देश स्वस्थ रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए लोगों ने खुद को वैक्सीनेट करवाया और कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दिया है। इतना ही नहीं, आज की जनता जागरूक हो गई है, मास्क का उपयोग कर रही है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रही है और वैक्सीनेशन, जो कि एक सुरक्षा कवच बताया जा रहा है कोरोना से, उसका भी इस्तेमाल कर रही है आज की जनता। इसीलिए आज देश ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया है और इतने बड़े आंकड़े को पार कर लिया है।
तो आसान नहीं था ये सफर देश की जनता के लिए, इतने बड़े सफर को और इतने बड़े मुकाम को हासिल करना, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीनेशन आम बात नहीं थी, लेकिन इसे पूरा किया गया है, लक्ष्य पाया गया है और इसकी चर्चा देश ही नहीं विदेशों तक भी होगी, क्योंकि ये एक बड़ा लक्ष्य था जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल तो था ही लेकिन जरूरी भी था, जिसे आज हासिल कर लिया गया है। और इस खबर पर अब हमारे साथ संवाददाता लखीमपुर से धीरज जुड़ चुके हैं। धीरज, लखीमपुर में आज कैसा माहौल देखने को मिल रहा है जब 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो गया है वैक्सीनेशन का? धीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ड्रग्स मामले में धीरज से खान के बेटे आर्यन जी, धीरज आपको मेरी आवाज आ रही है? आज अदालत फिर से जी, धीरज आज वैक्सीनेशन सेंटर पर कैसा माहौल है? पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, मेला चल रहा है वहाँ पर। और अगर बता दो तो इससे पहले लखीमपुर जनपद में करीब 24,409 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इस समय 1 महीने से यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव जो कि बिल्कुल जीरो के है। धीरज, कोरोना वॉरियर्स जो वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं, उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर लोग आते हैं और वैक्सीनेशन करवाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे भीड़ नहीं लग रही है। यहाँ पे पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह चाक चौबंद की गई है सीएससी अधीक्षक जो है अनिल वर्मा के द्वारा, इंतजाम किए गए हैं स्वास्थ्य केंद्रों पे। धीरज, हेलो जी, धीरज आपको मेरी आवाज आ रही है? जी धीरज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आम जनता के लिए? जी बिल्कुल, आज यहाँ पर बेजम सीएससी पे मेले का भी आयोजन, स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन किया गया पूरी तरीके से। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सारी सेवाएं मुहैया कराई जा रही है, कोई भी दिक्कत ना हो। कोई भी अगर आ रहा है यहाँ पर दवा लेने के लिए या तो वैक्सीनेशन करवाने के लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ लखीमपुर खेरी संवाददाता धीरज जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर काफी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जनता के लिए और वैक्सीनेशन सेंटर पर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और कोरोना वॉरियर जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि उनकी मेहनत का ही रंग है। क्योंकि जिस तरह से देश ने 24 घंटे का लक्ष्य रखा था और 24 घंटे वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध रहे, लोगों को वैक्सीनेट भी किया, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों का भी काफी योगदान रहा है। ये हमारे कोरोना वॉरियर कहलाए हैं क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में इतने लोगों के बीच लोगों को वैक्सीनेशन किया, लोगों के बीच मौजूद रहे, जहां पूरा देश सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा था उस वक्त हमारे स्वास्थ्यकर्मी थे जो बिना डरे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे। पूरी सुरक्षा का पालन किया गया, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हर मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पे उपलब्ध रहे, लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया कोरोना काल में, पूरे सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए लोगों को वैक्सीनेट किया, मास्क का उपयोग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए जिस तरह से इस महाअभियान को आगे बढ़ाया, ये एक काबिले तारीफ है और जिसका आज नतीजा है कि आज हमने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में एक नया इतिहास रच दिया है, 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। तो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां वैक्सीनेशन के नए आयाम देखने को मिले, लेकिन सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से बड़े आंकड़े को पार किया। वैक्सीनेशन के मामले में बात करी जाए तो राज्य को कोरोना से उभारने की भी कोशिश की लगातार, इसमें सफल भी हुई सरकार और अब वैक्सीनेशन के मामले में भी सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया है। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई, वैक्सीनेट किया गया ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द जनता को बात करी जाए 18 से ऊपर लोगों की तो उनका भी वैक्सीनेशन तेजी से किया गया, फिर 48 से ऊपर और
60 ऊपर लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया था। अगर क्रमबद्ध तरीके से बात करें तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद बुजुर्गों का यानी कि 60 प्लस का हुआ, फिर 40 प्लस हुआ और अब 18 प्लस, और अब जल्द ही बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू होने वाला है। कई तरह की वैक्सीन उपलब्ध है हमारे देश में और बच्चों के लिए भी जल्द वैक्सीन आ रही है। अब जल्द ही बच्चे भी वैक्सीनेट हो पाएंगे। तो इसके साथ ही ये नया आंकड़ा जो है वो एक और आंकड़ा बनेगा और इसी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो ये 100 करोड़ का आंकड़ा है ये और बढ़ेगा और इस रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि और अब आपको सीधा लेके चलते हैं एम्स, जहां पे पीएम मोदी मौजूद है और जनता को संबोधित कर रहे हैं इस खास उपलक्ष्य में। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जनता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे, क्योंकि आज खास दिन है, संबोधित ही नहीं धन्यवाद भी दे रहे हैं। मौजूद है जनता के सामने, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और साथ ही वो जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। और संबोधन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता ने अपना बड़ा सहयोग दिया है, संबोधन ही नहीं धन्यवाद भी दे रहे हैं क्योंकि जनता का बहुत बड़ा सहयोग है। जनता ने सरकार की बात को समझा और समझने के साथ ही उसे माना भी है, क्योंकि जनता ने इस वैक्सीनेशन में काफी बड़ा सहयोग दिया है। पहले हमने जैसे कि आपको बताया अंधविश्वास देखने को मिल रहा था, इसके बावजूद भी इतना बड़ा लक्ष्य भारत ने हासिल किया है, ये काफी काबिले तारीफ है। और इसीलिए आज पीएम मोदी जनता को धन्यवाद भी दे रहे हैं और संबोधित भी कर रहे हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।